आप हैं शिक्षा सुधार रोजगार के साथ। मैं हूं नीरज। शिक्षा मंत्री के बड़े बयान के बाद अभ्यर्थियों में हड़कंप। शिक्षा मंत्री ने साफ लफ्जों में कहा कि कोर्ट का सम्मान करना होता है और कोर्ट में नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड का जो बड़ा केस है उस केस से अभी बहाली प्रक्रिया पर स्टे है और बता दें कि ये स्टे आगे जारी रहेगा जब तक अगली सुनवाई की तारीख मुकर्रर नहीं हो जाती और हाई कोर्ट ने 4 सप्ताह बाद इस केस की सुनवाई का मन बनाया है। आपको बता दें कि चीफ जस्टिस संजय करोल के बेंच में जनहित याचिका का ये केस है CWJC 4975 और नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड के तरफ से ये केस किया गया और अब इस केस की सुनवाई 4 सप्ताह बाद आगे तारीख पड़ने की उम्मीद है और ऐसे में 28 फरवरी 2021 से 31 मई 2021 तक बिहार में पंचायत चुनाव के लिए आचार संहिता रहेगी। इस बीच में शिक्षा मंत्री का आज बयान आया। शिक्षा मंत्री ने साफ लफ्जों में कहा हाईकोर्ट पटना की अवमानना नहीं कर सकते, कोर्ट के आदेश को मानना पड़ता है। क्या शिक्षा मंत्री ने कहा हम आपको सुनवाएंगे, पर आपको बता दें कि 31 मई तक बिहार में आचार संहिता लागू रहेगी और ऐसे में बहाली प्रक्रिया में नियुक्ति पत्र के लिए शेड्यूल कहीं से भी जायज नहीं माना जाएगा और ये प्रतीत हो रहा है कि 31 मई के बाद ही बहाली प्रक्रिया पर आगे विचार किया जा सकता है। इस बीच में कई यूट्यूब चैनल हैं, सोशल मीडिया के जरिए आप अभ्यर्थियों में भ्रम फैलाया जाता है और इस भ्रम के जद में आकर अभ्यर्थी कंफ्यूज रहते हैं। कंफ्यूजन पर पूछे गए सवाल पर शिक्षा मंत्री ने साफ तौर से कहा कि अभ्यर्थियों में कंफ्यूजन क्यों रहता है, कंफ्यूज ना हो, पटना हाई कोर्ट में केस है, दिव्यांग अभ्यर्थियों का केस है, सुनवाई के बाद जब हाई कोर्ट से कोई आदेश आएगा उसी के बाद ये बहाली प्रक्रिया शुरू हो पाएगी। क्या कहा कंफ्यूजन पर शिक्षा मंत्री ने साथ में बहाली पर, आप खुद उन्हीं की जुबानी सुनिए। सुनिए क्या कहा शिक्षा मंत्री ने कंफ्यूजन पर और बहाली पर, सुनिए उन्हीं की जुबानी। अभ्यर्थियों में कंफ्यूजन का क्या उचित है? कोई कंफ्यूजन तो तब करते हैं जब कोई अलग अलग कारण बताए। कारण जब स्पष्ट है और वो सब लोग जानते हैं जो कोर्ट के हस्तक्षेप के कारण स्थगित है तो कंफ्यूजन कहाँ है? कंफ्यूजन के तो कोई गुंजाइश नहीं। आप जो 94,000 प्राथमिक शिक्षक वाला है और करीब 34,000 के आसपास है हो सकता है और दोनों में कंफ्यूज मतलब दोनों में कोर्ट वो जो विकलांग होते हैं ना उनके कोटा और उस हिसाब से मतलब उनके नियुक्ति के बारे में किसी ने याचिका दायर की और उसके संबंध में हम लोग सरकार की तरफ से स्पष्ट धारणा या मानते हैं कि जो भी आरक्षण जिस कोट के लोगों के लिए प्रावधानित है हम लोग उसी ढंग से करना चाहते हैं, इसलिए उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है न कन्फ्यूजन है। अब कोर्ट का हस्तक्षेप है तो न्यायालय का तो सम्मान करना पड़ता है। साफ लफ्जों में शिक्षा मंत्री ने कहा कि न्यायालय का सम्मान करना पड़ता है। ऐसे में आपको बता दें कि 28 फरवरी से 31 मई के बीच आचार संहिता और आचार संहिता के बीच बहाली प्रक्रिया का शेड्यूल क्या जारी हो पाएगा, ये कहना बहुत ही मुश्किल है और हमारा कहना है कि अभी 31 मई तक कोई भी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी, 31 मई के बाद ही कोई प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है। आज आपने शिक्षा मंत्री का बयान सुना, साफ तौर से कोर्ट केस की बात कह रहे हैं शिक्षा मंत्री, कन्फ्यूजन से दूर रहने की नसीहत भी देते हैं अभ्यर्थियों को। अब देखना यह है कि इस बयान के कितने मायने निकलते हैं, पर ताज़ा खबर आपके स्क्रीन पर हमने आपको दिखाया। आशा वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें। शिक्षा में सुधार हो, सभी के पास रोजगार हो, मिलते हैं अगले वीडियो में।